अनुशासन बहुत आवश्यक है। बिना अनुशासन के ना हम घर में रह सकते हैं, ना गांव में, ना समाज में, ना विद्यालय में, ना अपने परिवार में, कहीं भी नहीं रह सकते। तो सबसे पहली सीढ़ी चाहे जो भी हो उसके लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, लेकिन अनुशासन जो है नियम निर्देश पे सही उतरना चाहिए। लेकिन अनुशासन जब नहीं अगर किसी के अंदर है तो कहीं भी कुछ नहीं सीख सकता है। और किसी को कुछ पाना है तो अनुशासित ही रहकर वो ग्रहण कर सकता है। सहानुभूति से आप किसी से बहुत शिखर पहुँच सकते हैं, सबसे ऊंचाई अधिक पहुँच सकते हैं। अगर आपके अंदर सहानुभूति नहीं है तो अनुशासित है तो आप कुछ नहीं सीख सकते। अब आप अपने को सोचते हम सबसे सुपर हैं तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। हम लोग तो संस्था है, आप आते रहेंगे, हम लोग कार्य करते रहेंगे, लेकिन आप लोग जाते रहेंगे, लेकिन जो लोग हम लोगों से ग्रहण करेंगे वो बहुत अच्छा, उसी में कोई 20% पाता है, कोई 95%, 90% पाता है, जबकि क्लास वही चलती है, व्यवस्था वही रहती है। तो आप जो है सहानुभूति से और अनुशासन से ही हर जगह पा सकते हैं, चाहे यहाँ रहें चाहे आगे जाने। हम भारत माता की जय। एक बार हाथ ऊपर, धन्यवाद, ताली बजाओ। में बैठने वाले कुछ बच्चे 90% पाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। कारण जो अनुशासित नहीं रहते वो फेल होते हैं, जो अनुशासित रहते हैं वो पास होते हैं और उन्हें उपलब्धियां भी मिलती है। तो एक बार पुनः सर के लिए धन्यवाद, ताली बजाएंगे ना? ठीक है, साथ हाथ ऊपर, धन्यवाद, ताली बजा। पहले आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे उप प्रधानाचार्य महोदय, इनका मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही हमारे जो आए थे ट्रेनर, इनको देख करके हमें लगा था कि हमें बहुत पहले ही सीखना चाहिए था। हमें ये बहुत खुशी हुई कि हमें जाकर बीएड में ट्रेनिंग मिली, हमें जा करके जो आप इस कक्षा 6 में सीख रहे हो वो हमको कहाँ सिखाया गया, बीएड में। तो जिस दिन समस्या को देखा हूँ उस दिन हमें लगा है कि ये भी कुछ संस्था है। इसमें हमने क्या सीखा, देखा कि यूनिटी क्या देखा, हमने देखा जितनी टोली बनी थी तो हर टोली में अलग अलग कक्षाओं के बच्चे शामिल हो गए और देखे कितना तत्परता से लग करके सारे काम किए कि नहीं किए। और इसी तरह से आपने व्यायाम भी किया, तो ऐसी संस्था जो व्यक्ति के चौमुखी विकास की ओर ले जाती है। अगर आप यहीं से चाहें तो जहाँ भी जा सकते हैं, बन सकते हैं। समाज में क्या है, समाज में अगर आप शालीनता है, अनुशासन है तो आप पूज्य रहेंगे, क्या रहेंगे, पूज्य, नहीं तो आप भेद दृष्टि देखे जाएंगे। और यूनिटी, यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो असंभव। और हृदय की असीम गहराइयों से सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारत स्काउट गाइड का मूल उद्देश्य है बच्चों को अनुशासित बनाना, दूरदृष्टा बनाना और उनको मेहनती बनाना, सीमित साधन में उनको जीवन की सारी उपलब्धियों को प्रदान करना। विद्यालय में जो तुम लोगों ने कर दिखाया वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है कि घर से जो संसाधन आया ठीक है, कैंप लगा कर भारत स्काउट गाइड इस 3 दिवस के अल्पित कार्यक्रम में
समापन की वेला पर हम अपने सभी बच्चों, सभी शिक्षक साथियों, सहयोगियों और जनपदीय संस्था की ओर से आए हुए हमारे प्रबुद्ध, सुविज्ञ, कुशल संचालन प्रशिक्षक, जिनके दिशा निर्देश में हमारे विद्यालय की ये कक्षाएं चली, आपने बड़ी निपुणता के साथ हमारे छोटे छोटे जिज्ञासु बच्चों को अपनी कला कौशल से अधिकतम प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। हम बच्चों का, अपने प्रशिक्षकों का और अपने सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात अभी हमारे उप प्रधानाचार्य जी ने अपेक्षा की हमसे, परसों आए थे, टिकट कटा था, 3 दिन सवारी थी, अब हमारा प्लेटफॉर्म आ गया, हम लोग उतर रहे हैं, तो सर ने इतनी अच्छी बात कहा, तो उन्होंने एक अनुरोध किया माननीय प्रधानाचार्य से कि हम हमारी जिला संस्था से और प्रिंसिपल सर की जरूरत हमेशा विद्यालय की रहेगी, तो प्रधानाचार्य सर ने भी अपनी तरफ से आश्वासन दिए कि आपको पूरा समय देते रहेंगे, तो आप लोग मेहनत करिए, सबका, हम सबका, पूरा जनपद प्रतापगढ़ संस्था और आपके प्रधानाचार्य सर, मान के चलिए प्रधानाचार्य सर हमेशा प्रधानाचार्य सर रहेंगे, 31 मार्च के बाद भी आपके रहेंगे, है ना, तो उन्होंने आश्वासन दिया हमेशा आपके बीच में रहेंगे, ठीक है। और यही बात अनुशासन की, दो साल का लॉकडाउन लगा था, उसी में बच्चे घर पे बैठे रहे और ये अनुशासनहीनता उसी में सीख ली, है ना। तो यदि विद्यालय लगातार, श्री नरेंद्र नारायण तिवारी जी को अभिनंदन एवं नमन करते हैं एवं उप प्रिंसिपल श्री राजपुर सर को अभिनंदन एवं वंदन करते हैं एवं समस्त शिक्षकगण को नमन एवं अभिनंदन करते हैं एवं हमारी प्यारी मैम आरती मैम को अभिनंदन एवं वंदन करते हैं एवं समस्त कर्मचारी हमारे स्कूल के, उनको भी अभिनंदन एवं वंदन करते हैं एवं हमारे MDM की जो कार्यकर्ता है उन्हें भी अभिनंदन एवं वंदन करते हैं एवं प्रतापगढ़ स्काउट गाइड प्रतापगढ़ संस्था से आए हुए तीनों सर, ब्रिजेंद्र सर, दीपक सर एवं विकास सर का अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 दिन की इस बड़ी संस्था में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे तालियां बजाना हो गया, तालियां बजाना तो ऐसे भी हम अक्सर स्कूल में हर लास्ट पीरियड में करते हैं और मैं आपसे कराता भी हूँ, लेकिन मैंने एक चीज, एक बात ध्यान रखी है, मैं इतने दिन से आपके स्टूडेंट कराते हैं लेकिन इतने अनुशासित ढंग से तालियां नहीं बजा पाते, कोई भी नहीं बजा पाए हैं, लेकिन इतनी अच्छी तालियाँ बजवाते, इतने अच्छे लोग बजाने लगे, इतने अच्छे तरीके से बजाने लगे, ये देख कर मुझे बहुत खुशी मिली सर, कार्यक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम अपने समाज में विकास भी कर सकते हैं और अपने समाज की सेवा के प्रति